लास्ट नाइट परमे कर रहे हैं, आज चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को अपन सिद्ध करेंगे। उसी को सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको अपन ने पहले किया था तो पता लगाया था कि 180 आता कैसे। इसमें क्या किया था अपन ने, भुजा कितनी है, n के 3 है, उससे क्या 2n-4 के समकोण से किया था, याद है। तो अब ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया, ए बी सी, ठीक है। क्या बनाया, त्रिभुज ए बी सी। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह अपने को सिद्ध करना है। त्रिभुज बना लिया ए बी सी, और कोण 1, कोण 2 और कोण 3, 1, 2 और 3 अंकित कर लिया। तो ये दिया है में आ जाएगा, दिया है, दिया है में क्या लिखोगे, ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसके कोण, जिसके कोण, कोण ए, कोण बी व कोण सी है, वहाँ कोण 1, कोण 2 और कोण 3 अंकित किया। ए बी सी त्रिभुज है जिसके कोण ए बी सी है, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, ए बी सी त्रिभुज है जिसके कोण क्या है, ए बी सी है। तो ए बी सी में क्या अंकित किया अपन ने, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 1, कोण 2, कोण 3 अंकित कर दिया अपन। तो अपने को ए बी सी के स्थान पर कोण 1, 2, कोण 3 की जरूरत है, एक ही बात है। तो ए बी सी लिखो चाहे 1, 2, 3 लिखो, बात एक ही है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 1+2+3 बराबर क्या लेके आना है, बराबर 180 डिग्री लेके आना है। सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कोण 1+2+3 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध करना है कोण 1+2+3 बराबर 180 डिग्री। ओके, रचना करते हैं। ए से बी सी के समांतर रेखा, ए से बी सी के समांतर रेखा, बी सी कौन सी है, बी सी ये है, ये बी सी है। ए से, ए से बी सी के समांतर रेखा पी क्यू खींची, ए से बी सी के समांतर रेखा पी क्यू खींची। पी क्यू, ए से बी सी के समांतर पी क्यू खींची, खींच दी पी क्यू। यहाँ लिख देते अपन 4, यहाँ लिख देते अपन 5। ए से बी सी के समांतर पी क्यू खींच दी। अब देखो पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू
समांतर है बीसी। कहाँ से? रचना से। कहाँ से? रचना से। पीक्यू समांतर है बीसी, पीक्यू समांतर बीसी है, कहाँ से आया? रचना, रचना लिखा अपन ने, रचना क्या लिखा? ए से बीसी के समांतर पीक्यू खींची, तो पीक्यू और बीसी समांतर है, कहाँ से आया? रचना से आया। और इसमें ए बी क्या होगी? इसकी ए बी इसकी तिरक रेखा है, पीक्यू समांतर बीसी है रचना से, और ए बी क्या है? तिरक रेखा है, ए बी तिरक रेखा है। पी क्यू बी सी के समांतर है और ए बी क्या है? ए बी तिरक रेखा है। जब समांतर रेखा को तिरक रेखा परछेद करती है तो जेड आकृति बनती है, तो एकांतर कोण बनते हैं। जेड आकृति बनेगी, क्या बनेगा? एकांतर कोण। क्या बनेगा? एकांतर कोण, जेड आकृति बनेगी। जेड बना के दिखा रहा हूं आपको मैं, आराम से दिखाई दे जाएगा। अब जेड उल्टा बनो चाहे सीधा बनो, जेड बनना चाहिए। जेड का बनेगा समांतर रेखा का होना आवश्यक है। दिखाई देने लग गया जेड? अब तो जेड दिखाई देने लग गया, ये देखो जेड बन रहा है ना। जब समांतर रेखाओं को तिरेक रेखा पर छेद करती है तो एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण में समांतर रेखा का होना आवश्यक है, और उसमें ध्यान रखो हमेशा एकांतर कोण जब बनता है जेड आकृति बनती है, जेड के कोणे में जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। पी ए बी, पी ए बी बराबर, पी ए बी किसके बराबर है? ए बी सी के बराबर है, ए बी सी के बराबर है। कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया? ये एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। पी ए बी बराबर है ए बी सी के, पी ए बी किसके बराबर है? ए बी सी के। पी ए बी बराबर ए बी सी बराबर है, क्यों है? क्यों? कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण हो गया। तो यहां पर कितना लिखा हुआ है? चार। कोण चार बराबर क्या दिया हुआ है? कोण दो। कोण चार बराबर क्या आ गया? कोण दो। समीकरण नंबर क्या बन गई है? एक बन गई। समीकरण नंबर एक कोण चार बराबर दो आ गया, समीकरण एक बन गई। आगे बात समझ में। फिर से लेते हैं, पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के, कहाँ से आया? रचना से आया। कहाँ से आया? रचना से। पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के, कहाँ से आया? रचना से आया। इस बार ए सी तिरक रेखा ले लो, ए सी तिरक रेखा है, ए सी तिरक रेखा है। पी क्यू समांतर बी सी रचना से आया, ए सी तिरक रेखा है। पहले क्या थी? ए बी। पहले क्या थी? ए बी तिरक रेखा थी। इस बार क्या है? ए सी। ए सी तिरक रेखा है। कौन सी रेखा है? ए सी। कौन सी है? ए सी। तो ए सी तिरक रेखा है। जब समांतर रेखा को तिरक रेखा पर छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। यहाँ जेड आकृति विषय बनाता हूँ, देखो देख लो आराम से, लिख जाइए आपको। इस बार इधर से लेंगे, जेड बनता दिख गया? जेड बनता हुआ लिख गया, दिख गया ना? जेड दिखाई दे रहा है। तो कौन सा कोण हो गया? क्यू ए सी। कौन? क्यू ए सी बराबर किसके हो जाएगा? जेड आकृति कहाँ बन रही है? जेड आकृति यहाँ बन रही है। जेड बन रहा है यहाँ पे, उल्टा हेड बन रहा है। जेड तो बन रहा है, उल्टा सीधा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्यू ए सी और ए सी बी, क्यू ए सी बराबर ए सी बी, कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। आगे बात समझ में। कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। यहाँ कितना है? पांच। यहाँ कितना है? तीन। तो कोण पांच बराबर कोण तीन, समीकरण नंबर क्या बन जाएगी? दो। समीकरण नंबर क्या बन जाएगी? दो। समीकरण नंबर दो। सुन आगे इतना,
क्या किया, PQ समांतर BC है, समांतर रेखा को क्या कर रही है, तीरक रेखा पर छेद कर रही है, एकांतर कोण बराबर हो गए, तो कोण 2 बराबर 4 हो गया। फिर PQ समांतर BC है, इस बार AC क्या है, इस बार AC तीरक रेखा है, फिर एकांतर कोण बराबर होंगे, 3 बराबर 5 हो गया। जड़ाकृति बन रही है, जेड के कोणे में जो कोण है वो एकांतर कोण है, हो गया। अब लेते हैं PQ को, PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है, PQ क्या है, PQ एक सरल रेखा है, और अपन ने बहुत तो बता फाल कर लिए इसके, सरल रेखा पर हमेशा कितना बनता है, सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। कौन सा नियम लागू होता है, रेखिक कोण युग्म, कौन सा नियम लागू होता है, रेखिक कोण युग्म से। तो PQ सरल रेखा है, इसका मतलब कितना बनेगा, 180 डिग्री, कौन से कोण है इसमें, 4 है, 1 है, 5 है, इन तीनों को मिलाकर कितना बनाओगे, 180 डिग्री बनाओगे, कौन से नियम से, रेखीय कोण युग्म से, कौन से नियम से, रेखीय कोण युग्म से, 4, 1 और 5 तीनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, कोण 4 प्लस 1 प्लस 5 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री, कौन से नियम से, रेखिक कोण युग्म से, कौन से नियम से, रेखिक कोण युग्म से। समीकरण नंबर क्या बना दो, 3, समीकरण नंबर क्या बना दो, 3, बना 3। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में 1 व 2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखेंगे, यहां पर कितना है, 4, 4 किसके बराबर है, 2 के, यहां कितना है, 5, 5 किसके बराबर है, 3 के, तो 4 बराबर किसके है, 2 के, तो यहां 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 5 किसके बराबर है, 3 के, बराबर कितना आया, 180। तो सही क्रम से कर दो इसको, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। फिर क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 180 आ गया, ये हो गया इतनी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। अगर ये प्रमेय समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसको रिपीट करेंगे, ये प्रश्न, ये प्रमेय वेरी मोस्ट है और प्राय हर साल ये एग्जाम में आती ही है। चित कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाकी प्रश्न कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।